गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिसके जरिए आप किसी का भी फेसबुक अकाउंट उड़ा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल डिलीट कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत मस्त और ज़बरदस्त होने वाली है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप या मिस नहीं करना। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप 2-3 रिपोर्ट से किसी का भी फेसबुक अकाउंट उड़ा सकते हो, ताकि आप लोग ये जान सको कि आपने रिपोर्ट कैसे करनी है और कैसे किसी का भी फेसबुक अकाउंट उड़ाना है या रिमूव करना है। तो गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पर कर दे, ताकि मेरे नई आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, चले मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, किसी फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट उड़ाने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए आप लोगों ने एक VPN को इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है टर्बो VPN। ये आप लोगों को बआसानी प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग इसे इंस्टॉल करके इसकी प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट भी होगी। आप लोग ने इसकी प्रॉक्सी या तो सिंगापुर पे कर देनी है या तो नीदरलैंड पे कर देनी है। तो मैंने इसकी प्रॉक्सी अभी नीदरलैंड पे कनेक्ट की हुई है। तो अभी आप लोगों ने आ जाना है लाइट फेसबुक के एप्लीकेशन को, और सिर्फ आप लोग लाइट फेसबुक की मदद से फेसबुक की आईडी को उड़ा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अभी हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे अभी हम अपने ही फ्रेंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुन लेनी है। जिस भी बंदे पर आप लोगों ने रिपोर्ट करना हो, उसी तरह आप लोगों ने 5 फेक अकाउंट क्रिएट करने होंगे। उसी तरह आप लोगों ने कवर पिक्चर भी लगाना होगा, इसी तरह आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर भी लगाना होगा, और इसी तरह आप लोगों ने नेम भी देना होगा, और इसी तरह आप लोगों ने 4-5 फ्रेंड्स को भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे गाइस, हम सी मोर अबाउट पर क्लिक कर लेते हैं। अगर गाइस यहाँ पे अबाउट इन्फो में उसी ने जो भी दिया होगा वही आप लोगों ने यहाँ पे देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अभी सी मोर अबाउट मोहम्मद जानंद पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इसने जो डेट ऑफ बर्थ दी होगी, मैं उसी तरह का सेम डेट ऑफ बर्थ ही 5 सेम अकाउंट्स में डेट ऑफ बर्थ दूंगा। तो यहाँ पे मैं सी मोर अबाउट मोहम्मद जानंद पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने June 9, 1996 दिया हुआ है। तो मैंने इसी तरह के 5 सेम अकाउंट बना लिए हैं। तो इस पर अभी रिपोर्ट करने के लिए गाइस, आप लोगों ने करना क्या होगा कि राइट साइड पर आप लोग को 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और ये कॉपी लिंक करके आप लोगों ने सेम ही 5 आईडी में आप इसी लिंक को पोस्ट कर देना है। तो पोस्ट कर देने के बाद आप लोगों ने 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फाइंड सपोर्टर रिपोर्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फेक अकाउंट का रिपोर्ट लगा देना है। और यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद हम डन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम राइट साइड पर और फिर फाइंड सपोर्टर रिपोर्ट पर क्लिक करके अभी हम फेक नेम का रिपोर्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम डन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर से हम 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3 पोस्ट डन हो गए हैं, एक लिंक का और एक फेक अकाउंट का, एक फेक नेम का। अभी आप लोगों ने करना क्या होगा कि 3 डॉट्स पर क्लिक करके फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट पर क्लिक करके आप लोग प्रीटेंडिंग टू बी समवन पर आप लोग ने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग ने मी का रिपोर्ट डन कर देना है। तो मैं अभी इस डन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं 3 डॉट्स पर, फाइंड सपोर्टर रिपोर्ट पर और प्रीटेंडिंग टू बी समवन पर और सेलिब्रिटी पे मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं मोहम्मद जानंद जो नाम है, पहले मोहम्मद का रिपोर्ट लगा लेते हैं। तो इसका रिपोर्ट लगा लेने के लिए आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर से आप लोगों ने डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है और फिर से सेलिब्रिटी टी पे, और यहाँ से आप लोगों ने अभी जानंद के पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो अच्छी तरह इसका नाम भी नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इस पर डन करके इसी पहले वाले बंदे का नेक्स्ट करके आप लोगों ने डन का रिपोर्ट लगा देने हैं।
तो गाइज अभी आप लोगों ने फेसबुक का रिपोर्ट लगा देना है। रिपोर्ट लगा देने के बाद आप लोगों ने आ जाना है बैग। जैसे आप लोग बैग आ जाएंगे तो आप लोगों को 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपकी विक्टिम की फेसबुक की आईडी उड़ चुकी होगी, लोल हो चुकी होगी। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर पर ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।